अच्छी राम प्रवेश। हाँ ठीक है, आप हमारे गांव के डॉक्टर साहब को फ़ोन आप ही करते थे? ठीक है, आप अपनी बात बोलो फिर मैं बोलता हूँ। अभी मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चक्रों का जो स्पंदन होता है तो ये इसका क्या मतलब है या कहाँ तक विकास हुआ है? कभी मणिपुर में, कभी हृदय में, कभी ब्रह्मरंध्र में, कभी आज्ञा में, या ध्यान लगाने बैठते हैं तो फिर छुट्टी नहीं मिलता, मतलब कि 2 घंटे तक ध्यान लग जाता है। ठीक है, तो अब खुद तोड़ना पड़ता है। कितने दिनों से आप ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो 4-5 महीने से 6 महीने से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब साधक ध्यान करने लगता है और अंतर्मुखी होता है तो प्राणवायु क्रियाशील होती है, लेकिन आपको जो पूरे शरीर में आपकी अनुभूति है, जो वास्तविक स्थिति होती है, वो तो और कहीं होगी। अब इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपने एकदम अवस्था कहा कि मेरी स्थिति क्या है, लेकिन जो स्पंदन हो रहा है ये प्राणवायु के कारण हो रहा है और क्रियाशीलता हो रही। तो अभी तुरंत जवाब उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चक्र खुल गए हैं। चक्र खुल जाएगा, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, अनुभूति होगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो धीरे धीरे वो स्पंदन होकर बंद हो जाएगा। आपने कहा कि ब्रह्म तक, तो हो सकता है कि आप ध्यान करते हो, सूक्ष्म नाड़ियाँ क्रियाशील होती हैं, उनकी अनुभूति होती है। अगर गौर करें, आप पढ़े लिखे हैं कि जो रीढ़ है, रीढ़ से ही कुछ विशेष जगहों से ढेर सारी सूक्ष्म नाड़ियाँ चारों ओर को शरीर भर में फैलती हैं। जब उनमें यानी मन के स्थिर होने पर, मन जब स्थिर होता है तो प्राणवायु कार्य करने लगता है, तो वो उन नाड़ियों में क्रियाशीलता होती है जो जंक्शन से बनते हैं। अब मैं अगर सूक्ष्म शरीर को देखूं तो वो ये जो चक्र होते हैं वो अति सूक्ष्म रूप से जंक्शन बनाते हैं। विज्ञान शायद इतना कार्य नहीं कर पाता है कि जो यानी कि इतना शोध नहीं हुआ है, तो उनमें आपको क्रिया होती है, यानी आपका प्राणवायु आपके सूक्ष्म शरीर में क्रिया करने की कोशिश कर रहा होगा। और ये तो ये कोई विशेष अवस्था तो अब एकदम उत्तर नहीं दे सकता हूँ, वो तो ध्यान की अवस्था में जाके। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ब्रह्मरंध्र में होता है तो वो प्राणों की वो गति हो रही है, यानी मस्तिष्क की जो सूक्ष्म कोशिकाएँ होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, वो क्रियाशील हो रही होंगी। हाँ, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, वो तो साधक की योग्यता और उसमें कोई समय इसलिए नहीं। हो सकता है किसी साधक को 1-2 महीने में, किसी को सालों लग जाए, ये उसके चित्त की शुद्धता अशुद्धता, साधक की श्रद्धा लगन वगैरह वगैरह, तो इसकी कोई समय नहीं है। हो सकता है कुछ साधक बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ बहुत समय तक लगे रहते हैं। लेकिन मुझे आपका प्रश्न भी याद है, आप थोड़े कुछ जो हमें संदेश दिया गया उतावले से थे, अब मुझे याद नहीं, हो सकता है कि मुझे याद नहीं रहता बहुत सी बातें। आप कुछ कुंडलनी की बात कर रहे थे, हाँ कुंडलनी के लिए मैं अपनी तरफ से बता देता, क्योंकि आपने कई बार फ़ोन किया और डॉक्टर साहब हमारे परम मित्र हैं, इसलिए मैं आपकी बात सुन लेता था, मतलब आपके विषय में बताता था। तो बताया, वो हमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं। मैंने बताया कि इस तरह से कुंडलनी जागरण नहीं होता है, या जो वो समय मांग रहे हैं तो शिविर में आए, अपनी बात पूछें, मैं इतना व्यस्त हूँ, कुटिया पे किसी को बुलाता नहीं हूँ, जो पहुँच भी गए इंटरनेट सर्च कर करके मैं जानता हूँ वो कहाँ से मुझे पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं उसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुटिया में बात नहीं करता हूँ, मैं अपने गांव वालों से बात नहीं करता हूँ, चुप रहता हूँ। गांव वालों से तभी बात करता हूँ जब मैं गांव पहुँचता हूँ 2 मिनट बाद के और आगे बढ़ जाता हूँ। तो वहाँ सज्जन कुछ पहुँचे यानी साधक लोग, 15-20 मिनट बात करता हूँ और शांत हो जाता हूँ, वो मेरे यानी साधना करने के मैं फिर डिस्टर्ब महसूस करता हूँ। तो आपने जो कहा था तो
आप दोबारा अपनी बात वो कह सकते हैं कुंडलनी के विषय में, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके लिए शुद्धता की बहुत ज़रूरत होती है, और जब उचित समय आता है मार्गदर्शक स्वयं कर देता है कुंडलनी। और यहाँ जो कठोर साधना करते हैं तो कभी कभार थोड़ी बहुत कुंडलनी ऊर्ध हो जाती है, जो बिल्कुल अड़ियल साधक होते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। एक साधक बहुत लिखा करता कि मैं सिगरेट पीता हूँ, नशीले पदार्थों का सेवन करता हूँ, फिर भी देखो मैं कुंडलनी जागरण करता, मैंने उत्तर नहीं दिया। इसलिए उत्तर नहीं दिया कि कोई बात नहीं, हो गई, कठोर साधना करता होगा लेकिन आगे अटक जाएगा, रुक जाएगा, मैं सुन नहीं पाया। करने के लिए आपका मदद चाहते हैं? नहीं नहीं, पहले तो जागरण, पहले तो उसके लिए शुद्धता होनी चाहिए ना, इतनी शुद्धता हो कि जागरण का समय आ जाए। अगर आ जाएगा, एक बात बता दूँ, ये मैं ऐसा नहीं कि मना करता हूँ, अगर इतनी योग्यता होगी तो मुझे देर नहीं लगेगी, मुझे अंगूठे भी लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कई जगह मैंने अंगूठा लगाया, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्टवादी हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कि लोग देखें, प्रश्न करते हैं कैसे कुंडलनी उठाते, इसलिए दिखाता हूँ। बांदी कुएं में तो स्टेज पर उठा के वो पंडित जी को लखनऊ के देखा, पंडित जी ने तो संपर्क ही तोड़ दिया। देखना आपका काम जी, देखना तो आपका ही काम। वो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं आँखों से काम करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं स्पर्श की, सारे काम आँखों। जितने ये साधक बैठे हैं, जो मेरे साधक दिख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी दिख रहे हैं वीडियो में, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए शक्तिपात किया, वो फायदे में गए, लेकिन सारा काम मैं आँखों से करता हूँ। तो हमारा मतलब कहने का ऐसा नहीं, सिर्फ ये कि अगर कोई साधक ऐसा होगा, मुझे देर नहीं लगेगी, मैं उसका मैं उसकी कुंडलनी ऊर्ज कर दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए क्षण भर के लिए चाहिए जी। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.